नेटफ्लिक्स का लाइब्रेरी धीरे धीरे और बढ़ते ही जा रहा है और उसमें एक पे एक मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन ऐड किए जा रहे हैं। ऐसी मूवीज जिसके खत्म होने के बाद उसका इफेक्ट ऐसा रहता है कि आप उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और बेस्ट पार्ट यह है कि नेटफ्लिक्स बहुत मेहनत कर रहा है हिंदी डब वर्जन भी निकालने का, इसलिए आज की इस लिस्ट की सभी मूवीज आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी और मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सा मूवी आपको हिंदी डब में भी मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन का 17 पार्ट्स में ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका झलक आपको मेरे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा और उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये पूरा लिस्ट आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मिल जाएगा, इसलिए वहाँ भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और ऐसे ही जबरदस्त मूवी रिकमेंडेशंस और लेटेस्ट मूवी रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन और नेटफ्लिक्स पार्ट 18 को स्टार्ट करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नंबर 10 पे हिंदी डब में भी अवेलेबल 2014 की एज अबव सो बिलो, जिसको देखकर आपकी सांसें शायद रुक सकती हैं। सीरियसली, अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो इस मूवी को मत देखिए, क्योंकि मूवी को बहुत ही टाइट स्पेसेस में शूट किया गया है जहां आपको सिर्फ केव्स ही केव्स मिलेंगे और वो आपको सीधा हेल तक लेकर जाएगा। मूवी फॉलो करता है एक आर्कियोलॉजिस्ट को जिसका लाइफ का एक ही मिशन है और वो है हिडन ट्रेजर्स को खोजना। अब उसको पता चलता है कि पेरिस के सड़कों के नीचे अंडरग्राउंड एक ऐसा स्टोन है जो मेटल को सोना में कन्वर्ट कर सकता है और उससे लोग हील भी हो सकते हैं। और वो उसी फिलोसोफर स्टोन की खोज में एक क्रू हायर करती है जो उसके इस मिशन को डॉक्यूमेंट करे और उसको उस स्टोन तक लेकर जाए। लेकिन जब वो धीरे धीरे केव्स के थ्रू और नीचे पहुंचते रहते हैं तो उनको एहसास होता है कि वो खुद के हेल में पहुंच गए हैं। ये मूवी आपको एंड तक सरप्राइज तो करता ही रहेगा, लेकिन साथ साथ आपको डराता भी रहेगा एंड आपकी सांसें रुक जाएगी। नंबर 9 पे है 2016 की द वॉइड, जो एक बहुत ही अंडररेटेड हॉरर मूवी है। ये मूवी फॉलो करता है एक कल्ट को जहां एक ग्रुप हुड पहनकर हॉस्पिटल में कुछ लोगों को घेर लेते हैं अपने सिनिस्टर प्लान्स के लिए। मूवी का बजट बहुत ही कम था जिसके वजह से ये मूवी और भी स्पेशल हो जाती है। इसका सीजीआई इफेक्ट्स टू द पॉइंट था और कैरेक्टर्स तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, जो आपको थ्रू आउट सोचने पे मजबूर कर देंगे कि आखिर चल क्या रहा है। नंबर 8 पे है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी 2017 की डेथ नोट। इस मूवी को बहुत ही बैकलैश मिला क्योंकि ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट एनिम ऑफ ऑल टाइम का रीमेक है, लेकिन अगर आप इमोशंस को साइड में रखकर इस मूवी को देखेंगे तो ये मूवी डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप एनिम नहीं देखे हैं तो ये मूवी आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी। मूवी फॉलो करता है एक स्टूडेंट को जिसको एक सुपरनैचुरल नोटबुक मिलता है जिसके थ्रू वो किसी को भी मार सकता है, बस उसको उस इंसान का नाम नोटबुक पे लिखना होगा। अब सोचिए, प्लॉट सुनने में ही इतना इंटरेस्टिंग है तो मूवी कितनी इंटरेस्टिंग होगी। नंबर 7 पे है 2017 की कोरियन साइफाई मूवी लूसिड ड्रीम्स, और इस मूवी का कंसेप्ट तो भाई बियॉन्ड इमेजिनेशन है, क्योंकि इसका कंसेप्ट मिलता है क्रिस्टोफर नोलन के इंसेप्शन से। मूवी फॉलो करता है एक बाप को जिसके 3 साल के बच्चे को कोई किडनैप कर लेता है और वो लूसिड ड्रीम्स के थ्रू अपने बच्चे को खोजने का कोशिश करता है। मूवी का कंसेप्ट भले इंसेप्शन से सिमिलर हो, लेकिन इसका स्टोरी टेलिंग और स्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट है। मूवी आपको हर एक सीन में गेस करवाता रहेगा कि आखिर आगे क्या होगा। नंबर 6 पे साईफाई थ्रिलर 2018 की एक्सटिंक्शन, स्टारिंग नन अदर देन माइकल पेनिया एंड डोंट वी ऑल लव हिम। ये जबरदस्त मूवी फॉलो करता है माइकल पेनिया के कैरेक्टर को जिसे डेली नाइटमेयर्स आते रहते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो नाइटमेयर्स रियलिटी में चेंज हो जाता है जब एक भयानक एलियन इन्वेजन होता है जो एक्चुअली उसने सपने में देखा था। मूवी का बेस्ट पार्ट है इसका जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आपका होश उड़ाता रहेगा। नंबर 5 पे है 2011 की बैटल लॉस एंजलिस, जो एक और एलियन इन्वेजन मूवी है हॉलीवुड की तरफ से, एंड मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग कैसे ऑलमोस्ट हर बार इंप्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं। आई रिमेम्बर जब मैं ये मूवी देखा था तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे विद इट। जबरदस्त एक्टिंग, ग्रेट कैरेक्टर डेवलपमेंट, ग्रेट VFX और फारू एक्शन सीक्वेंसेस से ये मूवी आपका भी होश उड़ा देगा। नंबर 4 पे हिंदी डब वर्जन में अवेलेबल 2020 की द बैड एस चार्लीज थेरोन स्टार द ओल्ड गार्ड, जिसका एक डिटेल रिव्यू भी मैं किया हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। मूवी फॉलो करता है एक ऐसे ग्रुप को जो इमॉर्टल है, वो लोग कभी मर ही नहीं सकते और वो हजारों सालों से जिंदा है
और छुप के लोगों की मदद करते हैं। अब मूवी में जब 40 थ्रोन हो तो एक्शन की कोई कमी नहीं मिलेगी। फुल सैसी और बैड एस अंदाज में मिस थ्रोन सबका दिल फिर जीत ली एंड फिर प्रूव कर दी कि व्हाई शी इज द बेस्ट इन एक्शन। नंबर 3 पे हिंदी डब वर्जन में अवेलेबल 2005 की एक और एलियन इन्वेजन मूवी वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। और इस मूवी को देखने के लिए सिर्फ दो ही नाम काफी है, स्टीवन स्पीलबर्ग एंड टॉम क्रूज। स्टीवन स्पीलबर्ग का जबरदस्त डायरेक्शन और टॉम क्रूज का ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यूअसली एज ऑफ द सीट पे रखेगा। कुछ कुछ सीन्स में तो ऐसा तबाही दिखाया गया कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। मूवी में ऐसा टेंशन क्रिएट किया जाता है, ऐसा पैनिक क्रिएट किया जाता है कि कुछ कुछ सिचुएशंस में आपका दिमाग में सिर्फ यही चलता रहेगा कि यार किसी तरह टॉम क्रूज बच जाए। नंबर 2 पे है 2020 की सैरा पॉलसन स्टारर रन। ये मूवी तो कम्प्लीटली टुक मी बाय सरप्राइज। ऑनेस्टली ये मूवी तो मैं मजाक में देखा था और मूवी खत्म होने तक आई वॉज लाइक वो हो ये क्या देख लिया मैंने। कहानी माँ बेटी की है जहाँ सैरा पॉलसन अपनी बेटी को बचपन से कंट्रोल करते आई है। उसकी बेटी जो व्हीलचेयर पे है और वो चल नहीं सकती, उसको ना तो किसी से मिलना अलाउड है ना बाहर जाना अलाउड है, इनफैक्ट वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही वो एक टीनेजर हो जाती है उसको अपनी माँ सैरा पॉलसन के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जो उसका होश उड़ा देता है। मूवी में सैरा पॉलसन एज मदर और कियारा एलन एज डॉटर का परफॉर्मेंस टॉप नॉच था। टॉप नॉच, इतना एंगेजिंग परफॉर्मेंस था इन दोनों का कि आप मूवी में घुस जाएंगे। प्लस इसका टाइट स्क्रीन प्ले आपको एहसास ही नहीं होने देगा कि मूवी कब शुरू हुआ और कब खत्म। तो गाइस नंबर 1 पे जाने से पहले अगर आपको ये मेरा रिकमेंडेशंस अच्छा लग रहा हो तो आपको मेरे पहले के भी रिकमेंडेशंस जबरदस्त लगेंगे, आई गारंटी। और आगे ऐसे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नंबर 1 पे है एक बहुत ही वियर्ड बट माइंड ब्लोइंग स्पैनिश मूवी, लेकिन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में डब्ड, 2019 की द प्लेटफॉर्म। कहानी जितनी ही सिंपल है मूवी का मैसेज उतना ही स्ट्रॉन्ग। मूवी में एक वर्टिकल सेल दिखाया गया है जहां बिजनेस के लिए एक प्लेटफॉर्म पे खाना आता है डेली, लेकिन ऊपर से नीचे तक। इस वर्टिकल प्रिजन में 300 से ज्यादा फ्लोर्स हैं, तो बेसिकली नीचे वाले प्रिजनर्स को खाना मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऊपर वाले हद से ज्यादा खा जाते हैं। ये मूवी है तो एक सर्वाइवल मूवी, लेकिन मूवी दिखाना चाहता है कि इंसान कितना ग्रीडी हो सकता है, कितना सेल्फिश हो सकता है और यहाँ तक कि सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को मार भी सकता है। इनफैक्ट ये मूवी ये भी दिखाना चाहती है कि अगर हर एक इंसान मिल बांट कर खाए तो खाने की कमी किसी को नहीं होगी। ये मूवी सुनने में आपको बहुत ही सीरियस टॉपिक लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। नो डाउट इस मूवी को देखने के लिए पेशेंस चाहिए, लेकिन ये एक मास्टरपीस है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो स्क्रीन पे दिख रहे वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आएंगे, इसलिए उसको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।